एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, चिंता दूर करने का क्या उपाय है? देखिए, भविष्य में किसी असुरक्षित परिस्थिति की वजह से आप चिंता करते हैं, लेकिन कुछ बातें यहां पे समझ लेनी आवश्यक है। डर दूर करने के लिए या भय दूर करने के लिए भविष्य का सुरक्षित होना आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है, क्योंकि भय आपके अंदर उठता है और कोई भी परिस्थिति बाहर होती है, और अंदर और बाहर के बीच में स्वाभाविक रूप से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध नहीं है, सिर्फ काल्पनिक संबंध है। परिस्थिति चाहे ठीक हो चाहे ना हो, आपके अंदर जो चीज उठ रही है उसे तो आप ठीक कर ही सकते हैं। ये तो एक कॉन्शियस वे है, कॉन्शियस तरीका है, जागृत होकर के अपने अंदर के भय को दूर करने का तरीका है। लेकिन आपका स्वभाव एक दूसरे प्रोसेस को रन करता है इस डर को दूर करने के लिए, क्योंकि अभी आप अपने स्वभाव के प्रति जागृत नहीं है, इसलिए स्वभाव अनकॉन्शियसली या ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस को रन करता है ताकि आपके अंदर का डर दूर हो सके। उस प्रोसेस को कहते हैं चिंता। तो चिंता में होता क्या है कि जैसे ही आपको किसी ऐसी परिस्थिति जो कि आपको असुरक्षित बनाती है, डराती है, उसका ख्याल आता है, तो तुरंत आपके अंदर चिंता शुरू हो जाती है। चिंता में आप क्या काम करते हैं, उस परिस्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं। याद रखिए कि जब आप किसी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं तो जो नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है, वो नेगेटिव फीलिंग जो आपको चोट पहुंचाती है वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, बार बार रिपीट करना खतरनाक है। तो चिंता क्या काम करती है कि वही असुरक्षित परिस्थिति के बारे में बार बार आपके दिमाग में चीजें चलाती है। तो बार बार दिमाग में चीजें चलाने से बार बार नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है, बार बार नेगेटिव इमोशन चोट करता है आपको। तो बार बार जब आप चोटिल हो जाते हैं तो आप बुरी तरीके से थक जाते हैं और बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये तो एक अंतहीन सिलसिला है, इससे हम कैसे इससे हम बचे। तो इसलिए चिंता का प्रोसेस इतना ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। लेकिन यहां पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप डरते हैं तो डुअलिटी की या फॉर्म की या रूप की परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि जब आप किसी वस्तु से डरते हैं तो वो आपके सामने एकदम साफ दिखाई देती है, आपसे अलग दूसरे के रूप में दिखाई देती है। तो जब आपसे अलग दूसरे के रूप में वो दिखाई देती है तभी आप उससे डर सकते हैं, यानी एकदम क्रिस्टलाइज फॉर्म में वो दिखाई देती है, रूप के फॉर्म में वो आपको दिखाई देती है। और जब आप डरते नहीं है तो उस वक्त आपका ध्यान किसी रूप की तरफ नहीं जाता, आपका ध्यान एक जनरल डिफ्यूजन में डूबा रहता है, एक अरूप की स्थिति या नॉन डुअलिटी की स्थिति आपके अंदर रहती है। तो अगर आप डर नहीं रहे हैं तो आप किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप डर रहे होते हैं तो जिस चीज के ऊपर आप डर रहे होते हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, यानी उसका रूप एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अगर रूप को मिटा दिया जाए तो अरूप की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी डर दूर हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन में या अरूप की स्थिति में या नॉन डुअलिटी की स्थिति में कोई रूप होता ही नहीं है। जब कोई रूप नहीं होगा तो कोई दूसरा नहीं होगा, जब कोई दूसरा नहीं होगा तो डर नहीं होगा, क्योंकि डर के लिए दूसरे का होना जरूरी है। दूसरे का मतलब रूप का होना जरूरी है, फॉर्म का होना जरूरी है। तभी आप जब डरते हैं तो आप तुरंत किसी चीज फॉर्म से ही डरते हैं, किसी आकृति से ही आप डर सकते हैं, अनाकृति से आप नहीं डर सकते, डिफ्यूजन से आप नहीं डर सकते, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई आकृति होती नहीं है, डिफ्यूजन में कोई दूसरा होता ही नहीं है, नॉन डुअलिटी में कोई दूसरा होता ही नहीं है। जब कोई दूसरा होता ही नहीं है तो डर कैसे होगा, क्योंकि डर के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है। इसीलिए आपका जो स्वभाव है वो एक प्रोसेस रन करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं चिंता। चिंता में क्या होता है, उस परिस्थिति के बारे में जिससे कि आप डर रहे हैं, बार बार उसके रूप को आपके सामने ले आया जाता है, बार बार उसके रूप को आपका माइंड सामने ले आता है। तो बार बार रूप को सामने लाने की वजह से आपकी फेमिलियरिटी या परिचय उस रूप से बढ़ता चला जाता है, और जब परिचय रूप से बढ़ता चला जाता है तो आप उसकी सारी डायमेंशंस में उसको रूप को ठीक से समझ लेते हैं, ठीक से जान लेते हैं, सब उसको ठीक से उलट पलट करके देख लेते हैं।
तो जब आप सब उसको ठीक से जान लेते हैं, उलट पलट कर देख लेते हैं, कुछ भी उसमें देखने के लिए उसके रूप में बाकी नहीं रह गया, तो रूप जो है अरूप में बदल जाता है, डिफ्यूजन में या नॉन डुअलिटी में क्रिएट हो जाता है, बदल जाता है। और जब वो जैसे ही वो डिफ्यूजन में बदलता है तो रूप जो है अरूप में विलीन हो जाता है और आपका डर खत्म हो जाता है। तो चिंता वही प्रोसेस है, चिंता चिंता लाइफ का वो फ्लो है जो आपको आराम देने के लिए जीवन चलाता है, लेकिन ये आपको आराम देने का एक बड़ा ही दर्दनाक तरीका है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको आराम ही देना है ताकि आप रूप को अरूप में विलीन कर सकें और आप आराम से रह सकें। और प्रोसेस है बार बार जिस चीज से आप डर रहे हैं उसको अपने आपके दिमाग में चलाना ताकि उससे आपका परिचय बढ़ सके। जितना ज्यादा आपका परिचय बढ़ता जाएगा उतना आपकी सोच उसके बारे में घटती जाएगी, उतना रूप जो है अरूप में विलीन होता चला जाएगा, और जब अरूप की स्थिति आ जाएगी तो उसमें कोई दूसरा चूंकि होता नहीं है इसलिए आपका डर विलीन हो जाएगा, क्योंकि डरने के लिए दूसरे का होना जरूरी है। तो ये है सिंपल प्रोसेस। अब अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्शियसली करना शुरू कर दें तो इसका मतलब लाइफ के फ्लो को आप हेल्प करने लग जाएंगे। तो लाइफ के फ्लो को कैसे हेल्प करेंगे, देखिए मान लीजिए आप किसी चीज से डर रहे हैं, अब जैसे ही आप डरेंगे तुरंत आपका माइंड क्या है उसको अरूप बनाने की कोशिश करेगा, यानी डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन आपका स्वभाव है, नॉन डुअलिटी आपका स्वभाव है। तो वो डिफ्यूज करके जिस चीज से आप डर रहे हैं उसको डिफ्यूज करके उसके रूप को अरूप में विलीन करके आपके डर को दूर करने की कोशिश करेगा। इसका प्रोसेस है कि वो आपके अंदर चिंता पैदा करके उस परिस्थिति से आपका परिचय बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा ताकि उसके हर एस्पेक्ट से आप कॉन्शियस हो सके। जब हर एस्पेक्ट से आप उसके कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा और उसका रूप अरूप में विलीन हो जाएगा और इस प्रकार आपका डर दूर हो जाएगा। तो इसलिए ये माइंड जो है आपका चिंता कर का प्रोसेस चलाता है। अब इसी काम को आप खुद अपनी तरफ से कॉन्शियसली शुरू कर दीजिए, यानी अभी तक आप जो जिस चीज से डर रहे थे उससे दूर भाग रहे थे, अब दूर नहीं भागना है आपको, अब आप उसके ऊपर खुद ही विचार करने लगिए। जिस चीज से आप डर रहे हैं उसके सारे पहलुओं को, जिसको भी आपका डर बता रहा है आपको, आपकी चिंता बार बार उसे बता रही है, उसके ऊपर खुद विचार करना शुरू कीजिए, खुद उसको उलट पलट करके देखिए। चाहिए तो एक डायरी भी रख लीजिए, उसमें उसके बारे में लिख भी लीजिए थोड़ा कि हाँ इसमें जो भी उसके उस परिस्थिति के बारे में डरावनी चीजें हैं उनको सबको लिख लीजिए, लिखते चले जाइए ठीक से, उसके हर पहलू के बारे में लिखिए, उसको जितना डीपली स्टडी कर सकते हैं उतना लिखते जाइए उसके बारे में, या लिख नहीं सकते हैं तो आप अपने ऊपर विचार करते जाइए उसके बारे में। जो चिंता ऑटोमेटिकली कराती थी उसे अपनी तरफ से वॉलिशनली करना शुरू कीजिए, अपनी तरफ से बार बार उसके ऊपर विचार कीजिए, उलट पलट करके उसे देखिए। तो इसका मतलब आप खुद ही जो है उसके रूप को अरूप में बदलने की का प्रयास खुद कर रहे हैं। लाइफ जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी उसे आप, माइंड आपका बदलने की कोशिश कर रहा था चिंता के प्रोसेस के द्वारा रूप को अरूप में बदलने का, लेकिन आपने अपनी तरफ से उसे मदद करना शुरू कर दिया, आपने भी अपने माइंड को हेल्प करना शुरू कर दिया ताकि वो रूप को अरूप में बदल कर सककर आपके डर को दूर कर सके। तो इस प्रकार आप अपनी फेमिलियरिटी खुद बढ़ाने लग गए। इसे कहते हैं डाइंग, डाइंग बिफोर यू डाइंग। तो इस प्रकार जो है डाइंग का मतलब यहाँ पे मेटाफोरिकली लिया गया है, डाइंग का मतलब है डिफ्यूजन को क्रिएट करना, नॉन डुअलिटी को क्रिएट करना जिसमें कोई स्पेस एंड टाइम का डिविजन ना हो। तो इस प्रकार आप जो है बार बार रूप के डरावने रूप के हर पहलू के ऊपर विचार करते जाएंगे करते जाएंगे, और खुद जब आप उसके बारे में विचार करते जाएंगे तो धीरे 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 उसका रूप अरूप में विलीन होता चला जाएगा और आपकी चिंता खुद ही दूर हो जाएगी। तो यह है कॉन्शियसली चिंता से लड़ना और चिंता को दूर करना।